फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं फिर से आपके लिए प्रोटीन से भरा और हेल्दी नाश्ता लेके आई हूँ। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो ये ब्रेकफास्ट में आप फटाफट बना के खा सकते हैं, बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, अपने हस्बैंड को टिफिन में दे सकते हैं, और ये आप बहुत ही हेल्दी है और फटाफट बन जाने वाली रेसिपी है। इसके लिए आपको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक कप काबुली चना लिया था, जिसे मैंने रात भर फूलने के लिए डाल दिया है, और मैंने अब इसे पानी से अलग कर लिया है, अच्छे से धो लिया है। आप देख सकते हैं कि फूल के अब कितने बड़े बड़े साइज का हो गया है। हमें चाहिए आधा कप पोहा। आधा कप पोहा को मैंने आधे घंटे के लिए पानी में डाल दिया था। आप देख सकते हैं कि अभी बहुत अच्छे से फूल गया है। इसे भी हमें पानी से अलग कर लेना है। अब हमें चाहिए आधा कप चावल, जिसे मैंने रात भर पानी में डाल करके छोड़ दिया था। अब अच्छे से ये फूल गया है, तो मैंने इसे भी पानी से अलग कर लिया है। और हमें चाहिए 1 टीस्पून जीरा। तो अब ये गोटा जीरा है। तो अब हम एक मिक्सर का जार लेंगे। अब उसमें मैंने जो काबली चना फुला के लिया था, हम उसे ट्रांसफर कर देंगे। अब उसके बाद हम चावल डाल देंगे, आधा कप जो हमने रात भर फुला के डाल रखा था। और अब हम आधा कप पोहा, जिसे मैंने आधे घंटे के लिए फुला के रखा था, वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये मोटा वाला पोहा मैंने यूज किया है। और एक टीस्पून मैंने गोटा जीरा इसमें डाल दिया। और अब हम पानी का यूज करके इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, मैं ये पानी को पेस्ट तैयार करने में मेरा लगभग 1 गिलास पानी लग गया है। और 1 गिलास पानी की मदद से मैंने इसे एक बारीक पेस्ट बना लिया है। आप इसे इस पेस्ट को ज्यादा पतला नहीं करना है, आपको इसका ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं कि मेरा पेस्ट कितना गाढ़ा है। इसी तरीके का पेस्ट आपको तैयार करना है। मैं ऊपर से थोड़ा मिक्सी के जार में पानी डाल के इसमें वापस डाल दे रही हूँ, और इसे हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका पेस्ट भी बिल्कुल डोसा के बैटर की तरह होना चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरीके का होना चाहिए। और अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, फटाफट बन जाती है। इसे एक बार आप ट्राई जरूर करें। अब स्वाद अनुसार मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है। तो अब मैंने पैन को गैस पे डाल दिया है। अब ये हल्का गर्म हो गया है। इसे ज्यादा गर्म ना करें, नहीं तो आप बैटर डालेंगे तो वो तवे से चिपक जाएगा। तो अब उसमें हम ऑयल से ग्रीसिंग कर लेंगे। हमें चारों तरफ लगा दे रहे हैं ताकि आपका बैटर जब इसमें फैलाए तो ये चिपके ना। और जो एक्स्ट्रा तेल है उसे हम टिश्यू पेपर की मदद से निकाल लेंगे, और साथ में हम इसे चारों तरफ ऑयल से ग्रीसिंग भी कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे बैटर और इसे डोसा की तरह ही चारों तरफ फैला लेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि तावा ज़्यादा गर्म ना हो। अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ये चिपक जाएगा। हल्का गर्म में ही आप इसे डोसा की तरह फैला लें। और हम थोड़ा गैस की आंच को तेज कर देंगे। मैंने लो फ्लेम पे ही इसे ये बैग फैलाया था, और उसके बाद मैंने गैस की आंच को तेज कर दिया है। अब थोड़ा ऊपर से आप देख सकते हैं कि पक गया है। तो अब हम इस पे ऑयल डाल देंगे। और अब इसे हम ढक देंगे और अच्छे से लाल होने तक हम इसे ढक देंगे। अब देख सकते हैं कि अच्छे से लाल हो गया। लाल होने में 1 से 2 मिनट लगता है, और उसके बाद अब हम इसे निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं कि बैक साइड में कितने अच्छे से लाल हो गया है। अभी आपका तैयार हो गया है, अब आप इसे प्लेट में निकाल लें। फ्रेंड्स, ये आपने देखा कितना आसान है इसे बनाना, और आप इसे मनपसंद चटनी के साथ सर्व करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप इसे ट्राई करेंगे। अगर ट्राई करते हैं तो हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तभी लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन तो जरूर टैप करें, ताकि इसी तरीके से इजी, आसान और टेस्टी रेसिपी हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। धन्यवाद।